हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट, जिसमें कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन एंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है शीलेंद्र यादव और मेरे चैनल को आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन। फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन ये जो है मेनली थ्री फार्माकोपिया कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन सेक्शन। इसके लिए जो है फार्माकोपिया डिस्क्रिप्शन को थ्री सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज जनरल नोटिस एंड सेकेंड इज मोनोग्राफ ऑफ ऑफिशियल ड्रग एंड थर्ड इज अपेंडिक्स। जनरल नोटिस में वो सब कुछ आता है जैसे कि फर्स्ट एडिशन से लेकर, यानी कि लास्ट फर्स्ट एडिशन से लेकर और अभी तक के एडिशन में जो भी चेंज, एडिशन में जो भी चेंज ने जो चेंज किया बदलाव किया है हमारे फार्माकोपिया में, वो हमारा जनरल नोटिस में आता है। जैसे कि इट इज यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस, इट अलम्बराइज द वेरियस चेंज इंक्लूडिंग एडिशन डिटेक्शन इन द प्रेजेंट एडिशन कंपाउंड टू द लास्ट एडिशन। एंड अब सेकेंड हमारा इसमें आता है वो है मोनोग्राफ ऑफ द ऑफिशियल ड्रग, यानी कि ऑफिशियल ड्रग जो भी मोनोग्राफ है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि द बर्ड मोनोग्राफ मीन्स द रिटन स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, द मेडिसिनल सब्सटेंस आर टू बी यूज फॉर द क्योर एंड प्रिवेंट ऑफ डिसीज। मोनोग्राफ ऑफ द ऑफिशियल ड्रग में क्या क्या आता है, टाइटल मोनोग्राफ का टाइटल जो है वो इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज में होना चाहिए होता है। सिनोनियम कॉमन नेम ऑफ द सब्सटेंस, उसका जो भी सब्सटेंस हमारा बना हुआ है उसका कॉमन नेम क्या है, एंड केमिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर वेट आता है और उस प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी है उसके बाद उसके वो आता है हमारा मोनोग्राफ ऑफिशियल ड्रग में। एंड उसकी डोज क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हमारा मोनोग्राफ ऑफिशियल ड्रग में आता है। एंड नेक्स्ट इज थर्ड है हमारा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या है, इट इज डिस्क्राइब अबाउट अपरेटस नीड फॉर द वेरियस फार्माकोपिया टेस्ट एंड ऐसे। अपेंडिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे मतलब अब जो भी अपरेटस हमारे लिए ज़रूरी हैं फार्माकोपिया टेस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट को टेस्ट एंड ऐसे करने के लिए वो जो चीज़ें जरूरी हैं वो चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। अपेंडिक्स सेकेंड में हमारे डिस्क्राइब अबाउट बायोलॉजिकल टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि जो भी हमारा बायोलॉजिकल टेस्ट होता है वो हमारा अपेंडिक्स सेकंड में आता है। एंड थर्ड में हमारी केमिकल टेस्ट ऐसे, एंड फोर्थ अपेंडिक्स फोर्थ में हमारा क्रोमेटोग्राफी HPLC TLC एक्सेट्रा हो गया। एंड अपेंडिक्स फाइव में हमारा स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री IR UV एक्सेट्रा हो गया। अपेंडिक्स सिक्स में हमारा क्लियरिटी एंड कलर ऑफ सोल्यूशन हो गया। एंड अपेंडिक्स सेवन में हमारा डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल, यानी कि टैबलेट और कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन होता है, वो अपेंडिक्स सेवन में आता है। एंड नेक्स्ट इज अपेंडिक्स एट में हमारा फिजिकल टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि उसका फिजिकल टेस्ट होता है, डिटर्मिनेशन होता है, अपेंडिक्स एट में आता है। और जो भी हमारे ड्रग का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट एंड ऐसे होता है वो अपेंडिक्स नाइन में आता है। एंड ड्रग जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसका लिमिट टेस्ट पार्टिकुलेट मैटर है वो अपेंडिक्स 10 के अंदर आता है। अब हमारा इससे अगला टॉपिक शुरू होता है वो है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को आप बेसिकली ऐसे समझिए जैसे कि कोई भी हम प्रोडक्ट बनाएं उसमें हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ मिक्स हो जाए जो कि हमारे लिए ज़रूरत ना हो और वो प्रोडक्ट हमारे लिए जो है हार्मफुल हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटीज। जैसे कि इम्प्योरिटीज इज डिफाइन एज एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग विद ओरिजिनल ड्रग सच एज स्टार्टिंग मटेरियल्स इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यू टू एनी साइड रिएक्शंस। केमिकल प्योरिटीज क्या होती है, केमिकल प्योरिटीज डिफाइन एज फ्रीडम एज फॉर्म ऑल फॉरिन मटेरियल, यानी कि केमिकल प्योरिटीज वो होती है जैसे कि हमारे कोई भी केमिकल है उसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल मिक्स ना हो जो कि हमारे लिए जरूरत हार्मफुल हो हमारे प्रोडक्ट के लिए, वो हमारा केमिकल प्योरिटीज आ जाती है। अब हमारे लिए अब हम आगे शुरू करते हैं जैसे कि सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज क्या होती है, यानी कि इम्प्योरिटीज जो हमारे प्रोडक्ट में होती है वो आती कहाँ से है, तो
ए कंपाउंड हैविंग फॉरेन पार्टिकल इज सेड टू बी इम्प्योर द ओरिजिनल ओरिजिन ऑफ इम्प्योरिटीज इन ड्रग इज फॉर्म वेरियस सोर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। यानी कि कोई भी कंपाउंड को बनाते समय हमारे जो भी प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा पार्टिकल या ऐसा कोई भारी पार्टिकल जो है मिक्स हो जाता है जो हमारे लिए जरूरत नहीं होता है, जरूरी नहीं होता, वो हमारे जैसे प्रोडक्ट के लिए हार्मफुल हो जाता है, भाई हमारा इम्प्योरिटीज होता है। तो इम्प्योरिटीज आती कहाँ से, वही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो इम्प्योरिटीज के जो भी सोर्स हैं वो वेरियस मतलब कई टाइप्स के हैं, तो वो एक करके हम डिफाइन करेंगे। रॉ मटेरियल, जैसे कि पहला है रॉ मटेरियल, रिसोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस आर आइदर नेचुरल और सिंथेसिस फॉर्म केमिकल स्टार्टिंग मटेरियल एंड इट इज इसेंशियल टू वेरीफाई द आइडेंटिफाई सोर्स मटेरियल एंड इट क्वालिटी, अदरवाइज इट कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो उसमें हम ऐसे केमिकल एजेंट लेंगे जो जिनके अंदर कोई भी मतलब इम्प्योरिटीज ना हो, उन केमिकल्स को लेंगे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट नया बनेगा वो प्योर बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, लेड हैवी मेटल आर फाउंड एज इम्प्योरिटीज इन मैनी सल्फाइड रॉक्स यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaCl कंटामिनेट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। भाई आगे जो हमने बताया था, एंड नेक्स्ट जाता है हमारा इसका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में, जैसे कि मान ये है हमारा रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि मैन जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं उस समय क्या रिएजेंट जो भी यूज करते हैं, जैसे कि इफ रिएजेंट यूज एस यूज इफ रिएजेंट विच आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट कंप्लीट बाय रिमूव बाय वॉशिंग दिस रिएजेंट मे बी प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हमारा रिएजेंट नेक्स्ट इम्प्योरिटी सोर्स आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो भी हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते समय, जैसे कि सम टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मे बी कैरीड आउट इन फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम आयोडाइड इज प्रिपेयर बाय इंटरेक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडाइन। एंड कुछ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज हमारा नेक्स्ट आता है डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस हम करते हैं उस समय पर कुछ डिफेक्ट हो जाता है, जैसे डिफेक्ट एज इम्परफेक्ट मिक्सिंग, जो हम मिक्स कर रहे हैं अपने केमिकल्स को वो मतलब कि और मतलब गलत तरीके से मिक्स हो जाए, या उनका मिलाने का तरीका, जैसे कोई सा केमिकल डालना है तो कोई सा गलती से वो भी केमिकल ऐसा मिक्स हो जाए जो कि हमारे लिए वो मिक्स नहीं करना था, तो वो डिफेक्ट हो जाता है। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इनकम्प्लीटेंस ऑफ रिएक्शन प्रेशर, जिससे कि प्रेशर हमने मेंटेन नहीं किया, पीएच मेंटेन नहीं किया, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, जिससे कि रिएक्शन कंडीशन में भी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड विथ इम्प्योरिटीज इन दैम। अब सॉल्वेंट हमारा नया दूसरा रिएजेंट आता है इसमें सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर इज द चीफेस्ट सॉल्वेस्ट सॉल्वेंट एंड इज कॉमनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इनऑर्गेनिक केमिकल, यानी कि वाटर हमारे लिए बहुत ही चीफेस्ट सॉल्वेंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यूज करने के लिए, बनाने के लिए, उसके प्रयोग के लिए। जैसे कि टैप वाटर आ गया, टैप वाटर, दिस वाटर इज कंटेन कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड एंड ऐसे इम्प्योरिटीज इन वेरी स्मॉल अमाउंट, सच इम्प्योरिटीज मे स्टिल रिमेन इन द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डिस्टिल वाटर, इसमें आ गया डिस्टिल वाटर, हम जैसे कि कोई भी हम कंपाउंड बना रहे हैं तो हमारे लिए डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए, जैसे कि वो क्योंकि वो फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक वो होता है, उसमें कोई भी भारी वाटर वो फ्रेश होता है, उसमें कोई भी माइक्रोबियल प्रेजेंट नहीं होता है। डिस्टिल वाटर इज फ्री फ्रॉम ऑल द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, देयर फॉर डिस्टिल वाटर इज द बेस्ट एज सॉल्वेंट, बट इट इज क्यूट कॉस्टली, लेकिन ये इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी हाई होती है, इस वजह से इसे हम यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड कुछ सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में डिफेक्ट इन स्टोरेज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कि फाइनल प्रोडक्ट जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है उसको जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है, जिससे कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है इम्प्योरिटीज के लाइन में आ जाता है। जैसे कि सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन इफ दीज आर नॉट प्रॉपरली स्टोर, उसको हमने भाई प्रॉपरली स्टोर नहीं किया अगर यदि, तो वो हमारा प्रोडक्ट है वो उसमें थोड़ा डिफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फेरस सल्फेट जब एक्सपोज इन मॉइस्ट एयर, यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम नमी में मॉइस्ट एयर में रख देंगे तो अंडरगोस ऑक्सीडेशन गेट कूल्ड विथ
फ्रॉम बेसिक फेरिक सल्फेट विच इज एज इम्प्योरिटीज, देयरफॉर इट शुड बी स्टोर इन बेलक्लोज कंटेनर। इसलिए इसके लिए हम बेलक्लोज कंटेनर में रखना चाहिए। और नेक्स्ट इसका सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज का एक पार्ट और रह गया टॉपिक, मतलब छोटा सा, इसी की डिफेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट मटेरियल। कोई प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हो गया कंपनी में मानो या लेबोरेटरी में मानो कहीं मानो, उसके लिए हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करते समय कुछ केमिकल्स का अट्रैक्शन हो जाता है, उसमें भी कुछ हमारे इम्प्योरिटीज फॉल्ट करती है, डिफेक्ट करती है। वही है इसमें हमने बताया, सम इम्प्योरिटीज आर डिफेक्ट एनी प्रोडक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज ट्रांसपोर्ट टू कॉज एज द इम्प्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल केमिकल अट्रैक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होते हैं, अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।